आज दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर पुलिस मित्र द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का पुलिस लाइन जनपद प्रयागराज में आयोजन किया गया। आज के शिविर में मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह महोदय, जिनके द्वारा भी इस शिविर में रक्तदान किया गया, तथा पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन आशुतोष द्विवेदी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन अमित आनंद महोदय द्वारा भी रक्तदान किया गया। उक्त पुलिस मित्र द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में कुल 51 व्यक्तियों ने रक्तदान किया, जिसमें पुलिस और जनता का एक साथ रक्तदान करने से समाज में अच्छा संदेश गया। उक्त शिविर में तेज बहादुर सप्र चिकित्सालय ब्लड बैंक को इस शिविर हेतु आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने बहुत ही सरलता के साथ इस शिविर को सफल होने में सराहनीय योगदान दिया। परिक्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त आरक्षी आशीष कुमार मिश्र, जो कि पुलिस मित्र के माध्यम से मुहिम चलाकर समाज में जागरूकता एवं रक्तदान के प्रति अच्छा संदेश प्रदान करते हैं तथा गरीब एवं जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराते हैं। उक्त शिविर में पुलिस उप महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज महोदय के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार एवं कार्यालय में नियुक्त आरक्षी राजेश यादव, सर्वेश तिवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर विपुल श्रीवास्तव एवं महिला आरक्षी शालिनी शुक्ला महोदय के गनर एवं स्कोर्ट में लगे हुए कर्मचारी आरक्षी राम लाल बहादुर, ब्रजेश यादव, नौसाद अली, सुरेश यादव एवं समाज सेवियों में मनु, शोभा ठाकुर, सबनम एवं कंचन पांडे आदि महिलाओं के द्वारा उक्त शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। पुलिस मित्र मुहिम की शुरुआत 25 फरवरी 2017 को आरक्षी आशीष कुमार मिश्र द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी व्यक्ति की जान रक्त के अभाव में न जाने पाए। आज पुलिस मित्र द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है।